हमीरपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला में भीड़ा से मटन जेब ने पीडब्ल्यूडी के द्वारा रिपेयर के लिए खोदी गई सड़क अब दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है और हर दिन यहां पर दो पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आज सुबह के समय भी एक स्कूटी सवार बुजुर्ग नियंत्रण खोने के चलते गिर गया, जिसको टांग और शरीर में गहरी चोटें पहुंची हैं। वहीं इससे पहले भी कई दोपहिया वाहन चालक यहां पर गिरकर जख्मी हो चुके हैं। स्कूटी सवार व्यक्ति ने बताया कि सड़क के बीच में खुदाई की गई है, जो कि गलत है और खुदाई वाले स्थानों पर कोई भी चिन्ह नहीं है, जिससे पता लग सके कि आगे रिपेयर काम किया जाना है, जिससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर इन जगहों पर गिर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जाहू के पास दवाई लेने के लिए जा रहे थे और अचानक ही सड़क पर गड्ढे आ जाने पर नियंत्रण खो दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के बीचों बीच इस तरह खोदे गए गड्ढों को ठीक किया जाए। ये जो खुदाई की है वो बड़ी गलत है और अभी खुदाई की है तो वहाँ कुछ लगाना चाहिए, इनको एरो वगैरह कुछ मतलब रखना चाहिए ना वहाँ पे, ताकि लोगों को पता लगे और फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना चाहिए। इसमें भी खोद के एक बार छोड़ के चले गए बस, ठीक है। हाँ वही है ना, ये जो खुदाई की है जल्दी पूरी किया जाए काम, ताकि कोई और ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो। मेरे कोई और अगर मेरे साथ कोई और पीछे बैठा होता तो हो सकता उसको भी और भी लगती। मेरा नाम तो वीरेंद्र सिंह है, हम ऊपर से मैं बहुत पीछे से आया हूँ, रंगस के पास है जो, वहाँ से मैं जाऊँ जा रहा हूँ दवाई लेनी है बस, लेकिन अब तो मुझे वापस जाना होगा, दवाई के बाद मिलेंगे।